बिग बॉस 14 में हंगामा मचा चुकी निक्की तंबोली ने सीजन 15 में वाइल्ड कार्ड बनने से इनकार कर दिया है। इसी बीच निक्की तंबोली ने ऑफर ठुकराने की वजह का खुलासा किया है। आपको बता दें कि निक्की तंबोली बिग बॉस 15 की एक ऐसी उम्दा कंटेस्टेंट थी जिनको लोग काफी पसंद करते थे। निक्की तंबोली ने कहा कि मैं बिग बॉस 15 को लगातार फॉलो नहीं कर पा रही हूँ। हाँ, ये बात सच है कि मुझे बिग बॉस 15 के मेकर्स ने वाइल्ड कार्ड एंट्री के लिए अप्रोच किया था, लेकिन मैंने शो में आने से इनकार कर दिया है। मैं एक बार बिग बॉस की ट्रॉफी जीतने की रेस में दौड़ चुकी हूँ। बार बार एक ही काम करना ठीक नहीं है। दोबारा बिग बॉस के घर में जाने का कोई मतलब ही नहीं है। आगे निक्की तंबोली ने कहा, मैं मेहमान या फिर सीनियर बनकर बिग बॉस के घर में जा सकती हूँ, लेकिन मैं कभी भी कंटेस्टेंट नहीं बनना चाहती। जनता एक बार पहले ही मुझे रनर अप बना चुकी है, वो चैप्टर अब बंद हो चुका है। इसके अलावा निक्की तंबोली ने नागिन 6 के बारे में भी बात की। हाल ही में खबरें आई थी कि निक्की तंबोली को भी नागिन 6 के लिए अप्रोच किया गया है। नागिन 6 की खबरों पर रिएक्ट करते हुए निक्की तंबोली ने कहा, मैं इस बारे में आपसे फिलहाल कोई बात नहीं कर सकती, आने वाला समय सब कुछ बता देगा। ऐसे में फैंस कयास लगा रहे हैं कि नागिन 6 की वजह से ही निक्की तंबोली ने बिग बॉस 15 के ऑफर को ठुकरा दिया है। बॉलीवुड की ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए फैक्ट मीडिया के साथ।